नमस्कार, शारदाबा निकेतन उच्च माध्यमिक नागौर के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम फिर से पढ़ते हैं अध्याय 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पूर्व में हमें पढ़ा था लोहा एसिड। लोहा के कितने प्रकार थे? 5 प्रकार के लोहे थे, वो पढ़े थे। कितना प्रतिशत उत्पादन राज्य में कितना होता है, इसके बारे में पढ़ा था। किस क्षेत्र में क्या काम आता है, कितना निर्यात कौन से देशों में किया जाता था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज पढ़ते हैं अगला टॉपिक तांबा। भारत में धारवाड़ अराली श्रृंखला की कायांत्रिक चट्टानों की नस्ल में सल्फाइड तथा चारपा पाइराइट के ऐसे के रूप में मिलने वाले खनिज को तांबा कहते हैं। प्रश्न आता है तांबा किसे कहते हैं, तो तांबा किसे कहते हैं, तो हम लिखते हैं भारत के धारवाड़ अरावली श्रृंखला की कायांत्रिक चट्टान की नसों में सल्फाइड तथा चारका पाइराइट के ऐसे के रूप में मिलने वाले खनिज को क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। यानी तांबे का उपयोग, यानी तांबे का किस क्षेत्र में उपयोग, किस में उपयोग होता है? विद्युत उद्योग, बेतार उद्योग, प्रशीतलक उद्योग में उपयोग किया जाता है। बाद में उत्पादन प्रतिशत, यानी तांबे का अपने क्षेत्र में कितना प्रतिशत उत्पादन है। भारत में विश्व का 1% भंडार है। कितना है? 1%, यानी बिल्कुल कम मात्रा में तांबे का भंडार है भारत में। और उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भी होता है, जैसे झुंझुनू खेतरी में तांबे की बहुत अच्छी खान है। विशेष सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास इसका शोधन का कार्य है। किसके पास है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास। तो हमने तांबे के बारे में पढ़ा था, अब देखते हैं तांबा का जो उत्पादन है, विशेष 95% उत्पादन यानी भंडार किस में किया जाता है? मध्य प्रदेश में। तांबे का 95% भंडार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तांबा का 95% उत्पादन भंडार राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन खान है, खनन कार्य है, कौन से? मध्य प्रदेश में। तांबे की कमी के कारण, तांबे की क्या है, क्योंकि कितना प्रतिशत हमने पहले पढ़ा था, 1% है, तो 1% होने के कारण इसका क्या होता है, अन्य देशों से ही आयात करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, क्योंकि मशीनरी उद्योगों में इसका उपयोग होता है। इस कारण यहाँ क्या है, तांबे की कमी के कारण हमने क्या करना पड़ता है, यहाँ से आयात करना पड़ता है। अब पढ़ते हैं हम बागसर। तांबा का उत्पादन बहुत कम था, इसलिए आयात किया जाता है। हमने पहले लोहे का पढ़ा था, तो लोहा का हम निर्यात करते थे उत्पादन। अब पढ़ते हैं बागसर। यानी बॉक्साइट का हमें उपयोग 80% उपयोग किसमें किया जाता है, एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट का 80% भाग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है, यानी कितना प्रतिशत भाग, 80% भाग एल्यूमिनियम बनाने में किसका किया जाता है, तांबे का किया जाता है। और इसका उपयोग विद्युत मशीनरियों में भी इसका उपयोग किया
जाता है और बर्तन बनाने में भी किया जाता है उपयोग। एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, बर्तन बनाने में वे अन्य मशीनरी उद्योगों में, यानी बर्तन बनाना और मशीनरी उद्योगों में भी इसका उपयोग किसका किया जाता है, एल्यूमिनियम का होता है। इस कारण से इसका उत्पादन भी भारत में पांचवा है स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा। क्या बात है? उत्पादन की दृष्टि से भारत में विश्व में पांचवा स्थान किसका है? भारत का। और राज्य में, यानी भारत में कौन सा राज्य उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? उड़ीसा। कौन सा राज्य है उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राज्य? भारत में उड़ीसा, जो 95% उत्पादन का वर्णन है। कितना? 95%। यानी भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? उड़ीसा। और विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पांचवा। भारत में प्रथम कौन सा राज्य है? उड़ीसा। यानी 95% भाग उत्पादन कौन सा राज्य में आता है? उड़ीसा में होता है। इसका उत्पादन का 60% खपत भारत में हो जाता है। उत्पादन का 60% भाग भारत में खपत हो जाता है। यानी भारत का उत्पादन का 95% भाग का 60% भाग कहां खपत हो जाता है? भारत में खपत हो जाता है, जिसके कारण अन्य देशों में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। शेष 60% पहले हमने पढ़ा था तांबा। तांबा का क्या करते थे? आयात करते थे। और बॉक्साइट का क्या करते हैं? निर्यात। यानी उत्पादन अच्छा है तो हमारे शेष बचा हुआ 60% भारत में खपत हो जाता है, शेष बचा हुआ अन्य देशों में क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। इसको यूरोपीय तथा खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है। कौन से? यूरोपीय और खाड़ी देशों में इसका निर्यात किया जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा है? प्रथम स्थान अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है।
यानी उत्पादन की दृष्टि से अब्रक का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। पहले पड़ता था बॉक्साइट का कौन सा था? पांचवा, और अब है अब्रक का प्रथम। प्रश्न आते हैं कौन कौन से उत्पादन भारत में, बॉक्साइट का उत्पादन दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो हम बताइए पांचवा। अब्रक का कौन सा विषय में भारत का स्थान, तो प्रथम। और सा 70 से 80% उत्पादन भारत में होता है, उत्पादन भारत में होता है, यानी 70 से 80% उत्पादन कहाँ होता है? इसका भारत में होता है। या मेस्कोबाइट और रूपी अब्रक और बायोराटाइट गुलाबी अब्रक और आग्नेय और कायंत्री चट्टानों में पाया जाता है। इस प्रकार की अब्रक यहाँ पाई जाती है। इसका उपयोग ये कुचालक होती हैं, क्या होती हैं? कुचालक और चमकीली। कुचालक और चमकीली होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपयोग में होता है, विद्युत में वे वायु यान में वायुयान में सैन्य शस्त्रों में सैन्य शस्त्रों में इसका उपयोग होता है। सैन्य शस्त्रों में इसका उपयोग किस में होता है? साज सज्जा में। साज सज्जा यानी साज सज्जा में सैन्य शस्त्रों का इसका उपयोग होता है, क्योंकि चमकीली होने के कारण इसका उपयोग साज सज्जा में होता है। इसका उपयोग वायुयान और विद्युत में भी किया जाता है। और इसका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन क्षेत्र है। उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? उत्पादन क्षेत्र राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसका आंध्र प्रदेश में राज्यों में इसका उत्पादन क्षेत्र है। अब्रक हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं सीसा में जस्ता। अगला टॉपिक है सीसा व जस्ता। सीसा व जस्ता ये मिश्रित अवस्था में होता है। यह अरावली श्रृंखला की औषधि एवं परतदार चट्टानों में एशियक के रूप में मिलने वाला खनिज है। ये औषधि चट्टानों में मिश्रित वे परतदार के रूप में मिलती है, यानी ये औषधि चट्टानों में मिश्रित एवं परतदार चट्टानों में इसे मिलती है। भारत में 95% उत्पादन राजस्थान में होता है इसका। 95% भारत 95% उत्पादन राजस्थान में होता है, यानी सीसे जस्ते का उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। राजस्थान में होने के कारण इसमें झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु
में भी किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर खान इसकी उदयपुर में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर खान इसकी कहाँ है? उदयपुर में, बहुत बड़ी इसकी खान है। आज हमने तीन टॉपिक पढ़े थे, हमने पूर्व में भी गृह कार्य दिया था, आपने कर लिए होगा, आज भी गृह कार्य दिया जाएगा, आप समय समय पर करते रहना। धन्यवाद।